जातिगत जनगणना कराने के संबंध में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रमेश कुमार गंधर्व के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार गंधर्व के नेतृत्व में राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले ही महीने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए गए जवाब में सरकार ने कहा कि फिलहाल सरकार आगामी 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। सरकार का यह फरमान पिछड़ों एवं वंचितों के कल्याण का विरोधी है। किसी भी राष्ट्र का समेकित विकास तब तक संभव नहीं है तब तक कि होशिये के समाज को विकास की मुख्य धारा से न जोड़ा जाए। ज्ञापन देने वालों में बाबू रफत अली, आसिफ इकबाल, राजीव कुमार, मोहम्मद खालिद, अनिल कुमार आजाद, अरविंद कुमार, मोहम्मद शमी खान, रूप सिंह, राजेश भारती, नितिन सागर आदि लोग मौजूद थे। एडवोकेट शमशाद अहमद साफी, मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम का मुरादाबाद का मंडल अध्यक्ष। आज जिला कलेक्ट्रेट आना हुआ है, किस संबंध में? देखिए, हमारा जो यहाँ आना हुआ है, भाई चंद्रशेखर राजा जो हम आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के मुखिया हैं, उनके आदेश अनुसार जो इस देश में रह रही पिछड़े वर्ग की जनता की जातिगत जनगणना के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पिछड़े वर्ग के का दर्द अपने दिल में उतारा और उनके दर्द को देखते हुए पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना की मांग की है, क्योंकि भारत में पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ी तादाद में रहता है, लेकिन उसको उसके अनुसार उनको ना तो रिजर्वेशन मिलना है ना ही उन्हें किसी तरह की सरकारी सहायता मिल रही है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार आज कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन दिया, एक दिवसीय हमारा धरना प्रदर्शन है, ताकि पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना भारत सरकार कराए।